हाय फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल नेहास किचन। आज का वीडियो ये सिंपल केक डेकोरेशन वीडियो होने वाला है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसके सामने ही बेल बटन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा हैंडलिंग है केक बाय नेहा जैन, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मैंने ये सिंपल वनीला केक लिया है, मैं इसे डेकोरेट करूँगी। तो डेकोरेट करने से पहले मैं इसे 2 पार्ट में कट कर लूँगी और ये केक बनाने का वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, आपको अगर सीखना है या देखना है तो मैं नीचे लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से डायरेक्ट देख सकते हो। मैंने केक बोर्ड लिया है, अब इसके ऊपर केक प्लेस करने से पहले मैं थोड़ा क्रीम स्प्रेड कर लूँगी ताकि हमारा जो केक है बोर्ड में अच्छी तरह से अपनी जगह पर स्टिक रहे। अब मैं केक रख लूँगी और इसके ऊपर भी क्रीम से थोड़ा स्प्रेड कर लूँगी, हर जगह इवेनली स्प्रेड करना है और थोड़ा ज़्यादा लेके कीजिए, कम कम लेके मत कीजिए वरना क्रम्स लग जाएगा स्पेचुला में। अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए। अगर आपको कोई फ्लेवर देना है या कुछ अलग कलर देना है तो आप क्रीम में मिला के फिर लगा लीजिए, मैं वाइट ही रख रही हूँ। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस फ्लेवर का केक बनाना चाहते हैं। अब मैं ये लास्ट ऊपर में कोट करूँगी, इसके लिए हम क्रीम थोड़ा ज़्यादा लेके स्प्रेड करेंगे, जैसे मैंने बताया था कम लेके करने से होता क्या है कि हमारे स्पेचुला में क्रम्स लग जाता है तो हमें दिक्कत होता है उसे स्प्रेड करने में, और एक ऊपर क्रीम में भी क्रम्स लग जाता है तो अच्छा नहीं लगता देखने में। अब ज़्यादा लेके स्प्रेड कीजिए, पूरा क्लीन लगेगा। अब साइड में मैं थोड़ा थोड़ा कोट कर लूँगी, मैं अभी इसमें थोड़ा कम क्रीम लगा रही हूँ, मैं एक और कोट करूँगी। कम क्रीम से अगर आप कोट करते हो और फिर आप उससे जब अच्छे से इवेनली हर जगह बैलेंस करते हो तो अंदर से केक दिखने लगता है, एंड फिर स्क्रेपर भी यूज़ करते हो तो अंदर से स्क्रेपर जब हम घुमाते हैं तो अंदर से वो लाइन जब बनता है तो केक दिखने लगता है, तो इसलिए हम थोड़ा ज़्यादा लगा के स्क्रेपर यूज़ करेंगे ताकि अंदर केक ना दिखे। आपको जैसे लगे वैसे उस हिसाब से हर जगह स्प्रेड कर लीजिए और अच्छे से इसे लेवल कर लीजिए। बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाऊंगी वरना केक बहुत क्रीमी हो जाएगा। अगर आपको स्क्रेपर यूज़ नहीं करना है तो आप डायरेक्ट स्पेचुला से इसे लेवल कर सकते हैं। अब ऊपर से पहले मैं कर लूँगी ताकि मैं देख लूँ मेरा केक राउंड शेप में आया है क्या नहीं। ये हो गया है, राउंड शेप ही है पूरा इसका। अब मैं स्क्रेपर की हेल्प से साइड में डिज़ाइन बना लूँगी, और स्क्रेपर यूज़ करने के लिए आपको स्क्रेपर अपनी जगह पे ही रखना है, बस बोर्ड को घुमाना है, हैंड को अपने प्लेस पे ही रखना है। हैंड को घुमाने से डिज़ाइन नहीं बनेगा, बोर्ड को घुमाना है। ये देखिए हो गया है, ये डिज़ाइन बन गया है। अब मैं जो ऊपर मैं अच्छे से इसे लेवल कर लूँगी, इसलिए मैं बोलती हूँ क्रीम थोड़ा ज़्यादा लगाया कीजिए ताकि जब हम लेवल करें या फिर स्क्रेपर यूज़ करें तो हमारा केक अंदर से ना दिखे, पूरा एक क्लीन दिखे। अगर कम क्रीम लगाएंगे तो आप जब लेवल करेंगे अच्छे से इसे स्प्रेड करेंगे तो अंदर से केक दिखने लगेगा। मैंने थोड़ा ज़्यादा लगाया तो अब मैं इसे अच्छे से लेवल भी कर रही हूँ तो अंदर से केक नहीं दिख रहा है। आप अच्छे से हर जगह से लेवल कर लीजिए, और लेवल करने के लिए आपको बीच से साइड में नहीं लाना है, साइड से बीच में लेके जाना है। बीच से साइड में लेके आएंगे तो केक का शेप बिगड़ जाएगा, इसलिए साइड से बीच में लेके जाइए, ये राउंड ही रहेगा और आपका केक भी लेवल हो जाएगा। और ये अच्छे से लेवल करने के बाद मैं इसे फ्रिज में सेट होने रख दूँगी, उसके बाद मैं इसके ऊपर डेकोरेशन करूँगी। आप चाहे तो इसमें कोई जेल वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक मिरर ग्लेज वगैरह जो आता है, या फिर ऐसे प्लेन भी रख सकते हैं और कलरफुल फ्लावर्स बना सकते हैं। मैंने ये रोज चिप नोज़ल लिया है, मैं वाइट कलर से ही फ्लावर बनाऊँगी, और मैं फ़्लावर बनाना ज़्यादा डिटेल में नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में अच्छी तरह से उसमें सिखाया था। और हमको फ्लावर बनाने के लिए रोज़ टिप नोज़ल चाहिए एंड देन फ्लावर नेल चाहिए। डायरेक्ट आप
इस नोज़ल से केक पे फ्लावर नहीं बना सकते, बनेगा ही नहीं, क्योंकि वो घूमेगा। अच्छा, हमें घुमाना पड़ता है अपना हैंड को फ्लावर का शेप देने के लिए, और हम केक को नहीं घुमा सकते। वैसे सेम प्रोसेस है, वही जिग 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 जिग, और साइड का फ्लावर का पेटल बनाने के लिए ब्रॉड पॉइंट नीचे और नेरो पॉइंट ऊपर होना चाहिए। मैंने यह डस्ट कलर यूज़ किया है, ऐसे स्प्रे कलर बोलते हैं, मैं रेड कलर का यूज़ कर रही हूँ। इसमें भी काफ़ी कलर्स आते हैं, आपको जो पसंद है आप वो कलर यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपको स्प्रे कलर यूज़ नहीं करना है तो आप डायरेक्ट क्रीम में कलर मिला लीजिए और उससे फ्लावर बना लीजिए। अब मैं इसे वहाँ प्लेस कर दूँगी केक में, तो प्लेस करने से पहले मैं थोड़ा क्रीम से वहाँ पर हाइट बना लूँगी, उसके बाद फ्लावर रखूँगी, डायरेक्ट नहीं रखूँगी, एक फॉक की हेल्प से मैं रिमूव करके वहाँ प्लेस कर दूँगी। आप फॉक की हेल्प से या सीज़र की हेल्प से, जिससे आप कंफर्टेबल हो उससे रिमूव कर सकते हो। बस क्रीम अच्छा से विप होगा तो ईजिली रिमूव होके वहाँ प्लेस हो जाएगा। क्रीम अच्छे से विप नहीं होगा तो फ्लावर बनने के बाद भी आप उसे उठा के वहाँ प्लेस नहीं कर सकते। मैंने दूसरा भी ऐसे ही बना लिया था, बस मैं स्प्रे करके अब उसे भी वहाँ प्लेस कर दूँगी। आपको ये डिटेल में सीखना है तो मैं लास्ट वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने अच्छे से डिटेल में बताया था कैसे ये फ्लावर्स बनाने हैं। बस आपको फ्लावर बनाने के लिए ब्रॉड पॉइंट नीचे और नेरो पॉइंट ऊपर रखना है। जो ज़्यादा खुला हुआ पार्ट है नोज़ल का नीचे रखना है, और जो पतला सा है वो ऊपर रखना है, तब फ्लावर बन जाएगा। अब मैं इसे भी प्लेस कर लूँगी। आप चाहें तो छोटा छोटा फ्लावर बना के पूरे केक में इसे कवर कर सकते हैं, या फिर बड़ा बना रहे तो एक दो या तीन इनफ है, केक का साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। ये केक उतना भी बड़ा नहीं है तो मैं ज़्यादा लगाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। अभी देखिए पूरा बन चुका है। अब मैं दूसरी नोज़ल की हेल्प से इसमें बॉर्डर पर कुछ डिज़ाइन बना लूँगी। मैं यहाँ स्टार नोज़ल यूज़ कर रही हूँ, उससे मैं ऊपर में स्टार बनाऊँगी। मैंने ये नोज़ल को यूज़ करना भी सिखाया था डिटेल में, तो आप उसे चेक कर सकते हो। मैंने उसमें अलग अलग नोज़ल को यूज़ करना सिखाया था। अब नीचे शेल बना लूँगी, शेल बनाने का प्रोसेस वही है, अप एंड डाउन। बस आपको अपना हैंड फ्री करना है नोज़ल यूज़ करने में, बाकी तो आप अपना क्रिएटिविटी से कुछ अलग डिज़ाइन बना ही सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस आपका हैंड फ्री हो जाए एक बार, आप आराम से नोज़ल यूज़ कर सकते हो। देखिए नीचे बन चुका है, मैंने शेल बनाया था। आप नीचे भी स्टार बना सकते हो, या फिर वो राउंड वाला फ्लावर वो भी बना सकते हो। अब मैं इसके ऊपर ग्लिटर कलर यूज़ करूँगी, ये एडिबल ग्लिटर है, मेरे पास इस पर 9 शेड है। मैंने ये ऑनलाइन मंगाया था क्योंकि यहाँ मार्केट में ये मिलता नहीं है, और मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा था, और सच में ये अच्छा है। इसे डालने के बाद केक में एक अलग ही लुक आ जाता है। मैं ऑरेंज कलर स्प्रेड कर रही हूँ, आप अपने पसंद से अपने कोऑर्डिनेशन के हिसाब से कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो। इसे आपको जहाँ जहाँ लगे आप अपने हिसाब से स्प्रेड कर लीजिए। और फिर ये ऑलमोस्ट हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।